वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आई स्टार्ट अवर टुडेज क्लास इन सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड यू नो दैट अवर वी हैव लर्न टू चैप्टर द पॉलिटिक्स इन प्लान डेवलपमेंट एंड इन प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस अबाउट मोर देन टॉपिक्स वो आर स्पेशली फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट मेथड्स ऑफ इंडिया एंड आई होप यू ऑल आर वेरी वेल अंडरस्टैंड अबाउट होल टॉपिक्स एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इंडिया अडॉप्टेड फॉर द डेवलपमेंट अवर nations and after that we move from our other topics which is the key controversies. Now we are look about that which types of controversy created in the developing era. So students, developing era mein kis prakar ke doubts, kis prakar ke controversies, kis prakar ke problems aaye, ab hum us pe charcha karte hain aur iska hint humne previous lecture mein aapko diya tha ki पूरी की पूरी लड़ाई एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज़ की हो गई है. कि कुछ लोगों को ये लगता था कि एग्रीकल्चर, चूँकि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में देखा था कि एग्रीकल्चर को ही फोकस रख कर के प्लान्स को बनाया गया था, बड़े बड़े बांध बनाए गए थे. और हमने ये भी बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्टेटमेंट में, जो कि बड़ा हिस्टोरिकल स्टेटमेंट हुआ, उसमें कहा था कि ये बांध नए भारत के मंदिर माने जाएंगे. उसके बाद स्टूडेंट्स, आप देखिए जो सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान आया, उसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ, जो डेवलपमेंट प्रोसेस था वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ मोड़ा गया. लोगों को ये, खास करके सरकार को, पीसी महालबोनिस के नेतृत्व में चला था. लोगों को, सरकार को ये लगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस तेज़ी से देश को विकास की तरफ ले जा सकती है. और जो देश की गरीब जनता है, जो पॉवर्टी में फंसी हुई है, उसको वहाँ से निकाला जा सकता है. तो इस प्रकार के विचार थे, सरकार इस पे अमल कर रही थी. और ये जब इम्प्लीमेंट हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ, थर्ड 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ, उसके बाद से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि सरकार एक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है और दूसरे सेक्टर के ऊपर कम ध्यान दे रही है. इसी को कहा गया कि कंट्रोवर्सीज एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज. और इसमें देखिए, जो इस चीज़ को उठाने वाले जो बड़े लीडर थे, केसी कुमारप्पा, वो प्रख्यात गांधीवादी थे, बहुत बड़े गांधीवादी थे. और गांधी जी का तो चिंतन ही था कि भारत गांवों का देश है, और जो ग्राम स्वराज की स्थापना, ग्राम स्वराज का थिंक, और वो चाहते थे कि एक ट्रस्टीशिप हो, वो डेमोक्रेसी को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते थे. ट्रस्टीशिप वगैरह, ट्रस्टीशिप के बारे में पढ़िएगा क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था गांधी जी का. और उन्हीं के विचारों को लेकर के उनके जो भी आगे उनके समर्थक आए, तो गांधीवादी समर्थकों को ये माना गया कि वो बहुत हद तक ग्राम रूरल रूट्स में विश्वास रखते हैं. रूरल रूट्स यानी कि गांव की ओर, गांव का विकास, कृषि का विकास, सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भरता जिसको कहते हैं, इन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं. तो जेसी कुमारप्पा भी इन चीज़ों पर विश्वास रखते थे. और इनका अपना मत था कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान न दे करके, शहरों के विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान न दे करके गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, कृषि के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, कृषि सुधार किया जाए, भूमि सुधार किया जाए, तकनीक का विकास कृषि के लिए किया जाए. और ये उनको तकलीफ रहा कुमारप्पा जी को, कि जो नेहरू सरकार की, नेहरू जी की जो नई सरकार है, नई गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट एक तरीके से पहली पंचवर्षीय योजना को छोड़ करके दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरी तरीके से औद्योगिक उन्मुख यानी कि इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड पॉलिसीज को बना रही है. तो ये सारी समस्याएं आई. और इसमें एक नाम और है, चौधरी चरण सिंह, जो कि उस समय तो कांग्रेस के अंदर ही थे और फिर बाद में अपनी अलग पार्टी बनाई, लोकदल के नाम से ये पार्टी है, अभी भी रन कर रही है. और इस पार्टी के जो इस समय लीडर है, चौधरी अजीत सिंह है. और अब उनकी जो तीसरी पीढ़ी है, वो भी सत्ता में राजनीति में आ गई है, जयंत चौधरी, अजीत सिंह के पुत्र हैं. और मोस्टली ये वेस्ट यूपी में ही ज़्यादा अपना प्रभाव बना पाई है. और अभी जो यूपी में चुनाव हुए थे, जो MLA यानी कि विधानसभा के चुनाव थे, स्टेट लेवल पर जो चुनाव थे, उसमें ये पार्टी गठबंधन में थी. तीन पार्टियों का गठबंधन था, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और लोकदल. तो चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा आपको उसके बारे में जानकारी दे दी.
और बड़े जाने माने लीडर माने जाते थे, और उनके जो पुत्र हैं चौधरी अजीत सिंह, ये भी बहुत जाने माने लीडर हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त पकड़ इनकी बनी हुई है अभी भी, तो उस समय वो कांग्रेस में थे चौधरी अजीत सिंह, और इनको किसानों का नेता माना जाता था मेन। और इन्होंने भी इसका विरोध किया कांग्रेस के अंदर रह करके कि नहीं, इस जिस प्रकार की नीतियां बन रही हैं वो किसानों को और गर्त में ले जाएंगी, ये किसानों के को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आज़ादी के ऊपर कृषि के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, देश को कृषि की आवश्यकता है, देश को कृषि सुधार के कम से कम 2-3 पंचवर्षीय योजना ऐसे हो जो सिर्फ एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हो, कृषि सुधार को लेकर के फोकस रखा जाए। तो इस प्रकार के विचार बन रहे थे, इस प्रकार के विवाद पैदा हो रहे थे, और दोनों प्रकार के विचार थे, जिसमें जो कृषि की तरफ का जो आइडियाज था वो ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रखर हो रहा था, बहुत ज़्यादा रेडिकल हो रहा था इन चीज़ों के विरोध में, कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड जो पॉलिसीज़ हैं ये सही नहीं है देश के लिए। तो ऐसा विरोध लगातार हो रहा था। अब इसी बीच बहुत लोग ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि सरकार को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कृषि से हम देश को जो पॉवर्टी है उससे बाहर नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमको इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे, जिससे देश में मनी लिक्विडिटी आएगी, जिसकी वजह से हमारा जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे हम धीरे धीरे पॉवर्टी को ख़त्म कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड सपोर्टर्स भी थे, इधर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड सपोर्टर्स भी थे। पॉवर्टी को ख़त्म करना सबसे बड़ा इनका एम था, और लोग कृषि की बात तो करते थे, एग्रीकल्चर की बात तो करते थे, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये रहा है कि वास्तव में अगर पावर्टी से दूर जाना है तो हमको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही होगा, जिसकी वजह से हम पावर्टी से बाहर निकाल सकते हैं देश के बहुत सारे लोगों को। अब हम ये भी देखेंगे कि देखिए जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम शुरू हुई थी उससे फूड प्रोडक्शन तो बढ़ा, फूड प्रोडक्शन के साथ साथ स्टेट ने जो लैंड रिफॉर्म्स थे और जो गरीब थे उनके बीच रिसोर्सेज का बंटवारा भी किया, उसके साथ साथ जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स थे, जो सिंचाई के कार्यक्रम बनाए गए थे, सिंचाई कैनाल्स बनाए गए इरिगेशन के लिए, ये सारी चीज़ें हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो ये पॉलिसीज असफल नहीं हुई, यानी कि एक तरीके से जो प्लानिंग की नीतियाँ थीं वो असफल नहीं हुई, यानी कि वो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने अपने देश में प्लानिंग को लेकर के विकास कार्यक्रम बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी वो सही नहीं हो पाई, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमने एम्स बनाए थे वो एम्स हमने पाए। और एक सबसे ज़बरदस्त जो लॉजिक है, जो तर्क है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्टर्स ने दिया कि सरकार अगर दूसरी तीसरी 5 ईयर प्लान की स्कीम्स जो हैं वो अगर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड बना करके रखती तो भी हम लोगों को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाते, पावर्टी देश से ख़त्म नहीं हो पाता। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर्स, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का जो विवाद है उस पर हम लोग अब देखते हैं। तो देखिए इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि विश्व में दो प्रकार के मॉडल्स थे डेवलपमेंट के, एक कैपिटलिस्ट मॉडल, हमने इस पर चर्चा किया है, कैपिटलिस्ट मॉडल में जो कैपिटल होता है वो पूरा प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट का कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई हाथ नहीं होता, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होता। और जो दूसरा होता है वो होता है पब्लिक सेक्टर, सॉरी पब्लिक मैं कह रहा हूँ, सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी, जैसे पहला इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से अबलाइज कर दिया जाता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है, कोई भी निजी स्वामित्व तो नहीं रहता और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। तो ये दो प्रकार के मॉडल हैं, एक को कैपिटलिस्ट मॉडल कहा जाता है पूंजीवादी तरीका, और दूसरे को कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट मॉडल कहा जाता है समाजवादी तरीका। अब रही बात भारत के संदर्भ में, अगर हम बात करें तो भारत ने दोनों को ही नहीं अपनाया बल्कि दोनों में से थोड़ी थोड़ी चीजों को एडॉप्ट किया,
जो भारत के हिसाब से उसको लगा कि सही है उसे अडॉप्ट किया, जो लगा कि हमारे देश के लिए सही नहीं है उसे उसने छोड़ दिया। तो हम दोनों मॉडल्स में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हमारे लिए बेनिफिशियल थी उसको हमने अडॉप्ट किया, जो नॉन बेनिफिशियल थी उसको हमने छोड़ दिया। इसीलिए भारत को मिक्स्ड इकोनॉमी का इकोनॉमी वाला कंट्री कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों में सरकार ने कैपिटलिस्ट मॉडल का अप्रोच किया और किन किन चीज़ों में सरकार ने सोशलिस्ट मॉडल का अप्रोच किया। तो देखिए, एग्रीकल्चर हो गया, बिजनेस हो गए, और इंडस्ट्रीज जो मीडियम टाइप के और स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गए, उसमें सरकार ने कैपिटलिस्ट मॉडल अप्रोच किया, उसमें निजी स्वामित्व को रहने दिया। यानी कि एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन, कोई अपनी एग्री वो अपनी खेती कर सकते हैं, बिजनेस का प्राइवेटाइजेशन, अपना बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा था। तो ये कैपिटलिस्ट मॉडल हो गया। दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट मॉडल था, जो बड़े हैवी इंडस्ट्रीज थे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, कम्युनिकेशन को ले लीजिए, डिफेंस वगैरह में कुछ चीज़ें ले लीजिए, इसमें सरकार ने उसमें टोटल अपने कंट्रोल में उसको रखा। हैवी इंडस्ट्रीज को उसने सरकार ने टोटल अपने कंट्रोल में रखा, वो पब्लिक सेक्टर की तरह काम किया, सोशलिस्ट मॉडल की तरह काम किया। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों का ये तर्क था कि इस वजह से जो हमारे देश के प्लानर थे, उन्होंने जो प्राइवेट कैपिटल हैं यानी निजी क्षेत्र के लोगों को अपने प्लानिंग में सही जगह नहीं दी, जिसकी वजह से ज्वाइंट वेंचर का दबदबा बन गया, सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों का ही दबदबा बना इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में वो ज़्यादा लीड करने लगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि करप्शन बढ़ा, अकुशल लोग थे, गवर्नमेंट के लोग थे, वो ज्वाइंट वेंचर्स को चलाते थे, लाइसेंस राज, परमिट राज था। यानी कि आपको अगर कोई इंडस्ट्री शुरू करनी है तो इन अधिकारियों से लाइसेंस लेना था, परमिट लेना था। तो परमिट देने के बहाने वो बहुत सारे अनैतिक कार्य, पैसे का डिमांड, ऐसा कुछ करते थे। तो करप्शन समाज में बढ़ा, कंपटीशन खत्म हुआ। कंपटीशन खत्म होने की वजह से क्वालिटी, जो प्रोडक्ट क्वालिटी थी, वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं हो पाई, इनोवेशन नहीं हो पाया। इसकी वजह से देखिए अर्थव्यवस्था एक तरीके से धीरे धीरे ठहरती रहती है। तो ये नेगेटिव अप्रोचेस आए देश में। अब देखिए, इसके अपोजिट भी कुछ लोग थे, यानी देखिए दोनों तरफ से लोग मिल रहे हैं। अब उसी में कुछ लोग कहना था कि सरकार को जहाँ खर्च करना चाहिए था वहाँ सरकार ने खर्च नहीं किया, वेलफेयर स्कीम्स में खर्च नहीं किया, एजुकेशन में खर्च नहीं किया, हॉस्पिटलिटी में खर्च नहीं किया। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार ने वहीं पे अपना हाथ डाला जहाँ पे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी वो नहीं कर पा सकती थी, पूंजी की कमी की वजह से, कुशलता कमी, जो भी हम कह सकते हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर जिन सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, सरकार उसी सेक्टर में इन्वेस्ट की, और एक तरीके से ये प्राइवेट सेक्टर्स को सपोर्ट किया सरकार ने, ताकि वो अदर सेक्टर्स में जहाँ गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए था पब्लिक वेलफेयर के लिए, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने दिया, और प्राइवेट सेक्टर बड़े लेवल पे एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रॉफिट कमाया, बनाई। तो दोनों तरफ से